गाइस कैसे आप सब, आप सबको आनंद जी की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो आज भी उठा मैं, मुआ दो यार ब्रेकफास्ट कर ली, अब मैं यहाँ से निकलने लगा चेसिस लेके। अभी मैं जाना पैचिंग के लिए, भाई ने बोला जॉब करते हैं गाड़ी स्टार्ट फिर निकालते हैं काम पे, डेंटिंग पैटिंग वाला काम वो भाई जाएंगे साथ में छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जानी 2.0 हो गया स्टार्ट। चलोगे वहाँ तक छोड़ के आओगे, वो जाएगा ना भाई, निकल पड़ा यहाँ से। अब वो भाई जा रहा बाइक लेके यार, वापस आ जाएगा मेरे को छोड़ के। यार आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं ना, एक इस पर दिखता कुछ नहीं, कोई शीशे वगैरह काम ही नहीं करते हैं। चलते हैं अब पैचिंग वगैरह देखते हैं क्या रहेगा, कैसा रहने वाला काम, कितने पैसे लगेंगे वहाँ पे। पहुँच गए हम यहाँ पे, यहाँ पे होता है डेंट, उसका काम मतलब गाड़ी को और मजबूत किया जाता है। तो वो FTC वाला चाचारों की अल्ताफ भाई की गाड़ी है, गुलजार चाचारों की वो वाली 14 चक्का जहाँ ये है 48-30 में से एक ही है शायद वो या ये है। तो क्या उसमें कैबन छोटा है, देखता हूँ उसमें उसमें किस टाइप का कैबन आया है। भाई अपने पास जी जिनके पास आए हम काम करवाने के लिए, धूप वगैरह कर रहे हैं अभी, वैसे गाड़ी ने खुद ही बंद होती है, तो बंद हो ना फिर थोड़ा शोर कम हो जाएगा। ये भी 14 है 16 है, अच्छा इसको यहाँ तक कैबन दिया, तभी तो अल्ताफ भाई कह रहे थे कल, देखो इसको यहाँ तक ही दे दिया, अपनी गाड़ी में है ना यहाँ से पीछे भी है इतना, इसको शॉर्ट कर दिया कैबन भाई। हाँ बॉडी नहीं मर्जी बड़ी बड़ी बनाओ, अब चाहे यहाँ तक बनवा जाइए क्या करो, इस पर भी है शायद से, नहीं इस पर पूरा यार, इस पर पूरा, फिर ये गाड़ी नहीं उनकी, उनकी यही है गाड़ी, अपनी गाड़ी वहीं लगाई, उसके बाद घूम रहे सारी वर्कशॉप में। ये और एक वर्कशॉप, यहाँ पे भी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, पाजी की 12 डेरी, ये भी एक 12 डेरी, इतनी गाड़ियाँ बन रही हैं और ज़्यादा 12 डेरी अभी आ रही है। ये पाजी की गाड़ियाँ वाली टूल बन रहा है इसका भी, वो होगी कंप्लीट, बस अपनी गाड़ी का हो गया काम होना स्टार्ट। अभी पहले कूलेंट निकलेगा, फिर सारा कुछ खुलेगा, क्योंकि अब वेल्डिंग करनी है तो किसी और को नुकसान ना हो, वैसे सारा कुछ निकाल के फिर आराम से इसको पैचिंग वगैरह होगी। ये भी खोलेंगे अंदर से, बोनट वगैरह भी खुलेगा, और भी ज़्यादा सामान खोलना होगा। वही हैं भाई सुरजीत डेंटर के पास, तो उन्होंने भेजा सुनिंदर भाई ने, यहाँ से पैचिंग करवा, मतलब यहाँ बॉडी बनवा, उन्होंने बोला बढ़िया है, तो भाई जिसको आना यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये क्या चीज़ है वही मक्खियों के लिए, इसका मतलब गाड़ी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है कितने की, 28 तारीख 2 महीने 2024 की। देखो कितना सामान ना खुल गया, यहाँ से हॉर्न वगैरह खोल दिया, फिर रेडिएटर पूरा बाहर आएगा गाड़ी से, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा ऐसे, यहाँ ना ये चीज़ें कमज़ोर हैं, इसके नीचे एक और पत्ती लगाएंगे अच्छे से पूरी ना, यहाँ तक अंदर से सामान खोल रहे हैं, मतलब ये सारा देखो वायरिंग वगैरह खोल दी, बांध दी उन्होंने, जिसमें मतलब कि बेल्ट ना गिरी, वो उनका चाबियाँ कूलेंट वगैरह भी निकाल के शायद रख दी उन्होंने, वो पड़ी बाल्टी अपनी हो जाएगी गाड़ियाँ, इसकी सारा हो गया, इसको पूरा बब्बी जोड़ दिया लेके जानी वहाँ पे, खुल गई पूरी यहाँ से, देखो बोनट वगैरह खुल गया और ये वो आ गया, पर इसका ना फायदा ही नहीं है यार, ये ना गर्म हवा देता है, सर्दियों में ठंडी देने शुरू हो जाता है, गर्मी में गाड़ी गर्म है, तो जैसे मतलब गाड़ी का अगला टेम्परेचर वैसे देगा, क्योंकि इसका काम है आगे से हवा ला के अंदर देनी बस, और जगह खराब है इसकी, क्या टूल बन जाएगा, देखते हैं अभी लगाना होगा या नहीं लगाना होगा, ये कौन सा है। अभी सारा सामान खोलेगा, अभी पैचिंग वाला काम स्टार्ट नहीं हुआ, पहले सारा खोलेंगे ना, तो यहाँ पे रबड़े वगैरह थी, किसी चीज़ को नुकसान ना हो, क्योंकि काफ़ी बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि वो गर्म होगा सब तो। हाँ जी बस वधिया जी, वहाँ सारा सामान अपना खुल गया, और भाई आए मिलने के लिए, ढूंढ क्योंकि सबको ढूंढना पड़ रहा है अभी यार, मैं या ना मैं कोई लोकेशन एक डाल नहीं पा रहा, क्योंकि अभी ऐसे यहाँ पे पैचिंग के लिए आए, फिर टैंकी वगैरह चेंज कर रहे हैं, दूसरी जगह जाना है, तो कल जब गाड़ी एक ही जगह रुक जाएगी तो फिर डालेंगे स्टोरी। और भाई वधिया सब ठीक ठाक भाई, मतलब आए यहाँ पास से, पर एक घंटा लगा ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे सब जगह चेसिंग ही खड़ी हैं, जितनी काम चल रहा है अपना लाइव उधर KS कॉल पटेल चौक के। अभी बस ये काम हो जाएगा शाम तक, फिर निकलेंगे, ये गाड़ी भी जाएगी और वो भी जाएगी, अपनी गाड़ी का सारा सामान, कैसी होगी गाड़ी है कैसी। और पाजी हर चीज़ जो खोल रहे हैं ना ध्यान से रख रहे हैं हर चीज़, क्योंकि यार फिर यहाँ पे कहीं गुम जाएगी, मिलेगी नहीं तो वापस वही चीज़ फिट हो जाएगी। चल कोई ना, यहाँ पे ना एक ब्लॉग रहेंगे अब सीरीज वाइज की, क्या क्या गाड़ी में काम होता है, नई गाड़ी में सबसे पहले भाई देखो बॉडी नहीं बनती है एक साथ, पहले गाड़ी आती है उसमें पैचिंग वगैरह होती है, जो भी ये जोड़ है ना इस पर, देखो यहाँ वेल्डिंग है, यहाँ वेल्डिंग है, यहाँ वेल्डिंग है, कम कम है, मतलब उतनी मजबूत नहीं, इस पर एक और पत्ती लगेगी दी, जब लगेगी मैं दिखाऊंगा भाई कि गाड़ी में कितनी मजबूती आएगी उसके बाद, क्योंकि एक बार चीज़ बनानी है तो बार बार रास्ते में की परेशानी करके फ़ायदा क्या उसका, जितना भी काम है। उसके बाद एक जो हैंड ब्रेक का ऑप्शन है वो यहाँ पे है, उसको हम यहाँ पे लाएंगे ऐसे अपनी उस गाड़ी में। उसके बाद दूसरा है कि वो टैंकी वो बाहर है थोड़ी उस साइड वाली प्रेशर वाली, उसको एडजस्ट करवाएंगे और यहाँ पर पत्ती लगवाएंगे एक पक्के वाला जुगाड़ करके, वो आ रहे मिस्त्री जी वो करने वाले काम, शुरू हो गया काम अब।
यहाँ से बैटरी वगैरह भी खोल के रख दी ऊपर, क्योंकि ये चीज़ खुलने वाली है। ये टैंकी है थोड़ी डाउन है, देखो कितनी डाउन सी लग रही। गाड़ी कच्चे में उतर नीचे लगने का खतरा है, इसको हम ना अब ऐसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी ये टैंकी इधर, ये खुल जाएगा, इसको तो साथ ले चलेंगे, कहीं ना कहीं काम ही देगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगी डीजल टैंकी दूसरे वाली। पहले मेरे को था इसको यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे मैं टूल बॉक्स बनवा लूँ जैक के लिए, पर ना ये ना काफ़ी डाउन है, देखो गाड़ी से आ रही है, देखो कहीं गाड़ी खड्डे में आगे टायर कहीं घुस जाते हैं, ऐसा कुछ हो तो ये नीचे लग जाएगा। अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो फिर ये बाहर आ जाता है, तो इसका ऑप्शन यही है कि इसको घुमा लो सीधा सा, टूल वगैरह पीछे बनवा लो, बाकी आगे वो काम सारा चल ही रहा है। पूरी खोल दी गाड़ी, नई गाड़ी तो कैसी हो गई है, ये लगे कि पति और पाजी कर रहे हैं यहाँ पे, एयर टंकी खोल रहे, मतलब काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है ना, प्रेशर वगैरह निकलेगा सारा, खाली होगी टंकी फिर खुलेगी। आज तो टिफिन मंगवाया था, ये 70 रुपये में आता था, इसमें क्या क्या खाना मिलता है, पानी भर के आगे भूख लगी है काफ़ी यार। 6 रोटी और ये आलू और गाजर की सब्जी और थोड़ा सलाद, ठीक है यार 70 रुपये घर की है, मैं मतलब ठीक है जो भी है यार, घर का खाना कम से कम खाना खा लिया। ये एंगल वगैरह बस हो गया बेल्डिंग होने, पीछे एक टंकी वाला काम भी अपना ख़त्म होने वाला था, वो सारे एंगल यहाँ से लगेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक काट के जगह बनाई इसमें अभी उन्होंने। हर चीज़ में अलग है यार, वो जो अपनी 10 चक्का उसमें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आ गई ये भी टंकी, ये पूरा सही तरह से देखो तैयार हो गया परफेक्टली, बस अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि कैन में छोटी सी चीज़ है पर इसका बड़ा ही एक काम है, इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक वाला सिस्टम सारा इससे अटैच है, इससे एयर जाएगी। अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आई कल को, फिर कल को ब्रेक वगैरह फेल होने में भी दिक्कत है। एक साइड का एंगल यहाँ पे आ गया, अब वेल्डिंग मशीन भी आ गया, अब इसको नेट भी लगे, जहाँ जहाँ जगह थी वो नेट तो लगे, बाकी इसको वेल्डिंग करेंगे। ये लगा दिया मतलब टाइट करके पूरा मजबूत सर जोड़ के, यहाँ तक ये पीस आ गया और इस तरफ दूसरे वाला जो बनाया एंगल ये आ जाएगा, तो पहले ये फिट होगा उसके बाद वो फिट होगा, बस अब वेल्डिंग करने लगे। और पीछे वो स्टेपनी खोल रहे हैं, स्टेपनी इसलिए खोलते हैं वहाँ मटगार नहीं आता, और इससे ना मजबूती बढ़ जाएगी यहाँ कैबिन की ना, देखो कितनी सफाई से है, मतलब महसूस नहीं होता इसमें कलर हो जाएगा, आप कैमरे में आप भी नहीं पता कर पाओगे भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ है। इसके आगे दूसरा लगेगा, फिर यहाँ पे एक और लग जाएगा बीच में, बस यही चीज़ें होती है, तभी इंसान को गाड़ी के पास रहना चाहिए, खुद देखता और इंसान नई चीज़ें सीखता है। मैं फर्स्ट टाइम मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा है और मतलब मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि इंसान थक जाता है यहाँ पर यार, मतलब कमर दर्द होगी ना बैठने को अच्छे से, मतलब है ऑफिस में फिर बाहर रहो तो भाई फिर काम देखना करना ही पड़ेगा। अब मेरा यहाँ पे सारा काम आज खत्म हो गया तो फिर हम निकल जाएंगे वापस वहाँ पे, यहाँ पे हमने बॉडी का काम है हो गया ना पाजी, आज काम खत्म आज हो जाएगा सारा ही। यहाँ पे अब हो रही है वेल्डिंग और एक काम, हाँ जी मिस्त्री जी एक काम मत करो, अब यहाँ से हैंड ब्रेक खोल दिए, ये हैंड ब्रेक लगेगी अब यहाँ पे, ऑलमोस्ट अपना बेल्डिंग वाला काम हो गया ख़त्म। ये लग गया एक यहाँ पे, यहाँ पे हाँ इसकी रखड़ाई भी होगी है और यहाँ से थोड़ा रहता है। वापस शुरू हो गया काम, भाई भी आए थे, वो जो 12 चक्का है ना उस पर 10 चक्का पे वो निकालनी है कल, है ना कल निकालेंगे, उसके लिए स्टील लेने आए थे जो लगेगी आगे माथे पे, गर्म करते हैं पत्तियां जो मत्थे के आगे लगती हैं, अच्छा नो गर्म कर देना, गर्म करा के फिर पॉलिश करवा के फिर लगा देंगे, फिर पॉलिश करवा के। अभी यहाँ पे ना सारे सुराख बंद करेंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ी में आप कह रहे थे उसमें एक तो आवाज़ आती है और सुराख से मिट्टी आती थी, तो इस पर जितने इस पर सुराख है ना सारे सुराख करवा देंगे बंद आराम से, बाकी सारी वेल्डिंग होगी बस कलर करवाना है। हाँ जी टैंकी भी होगी फिट, बस बैटरियाँ हैं तो ऊपर रखेंगे, तारे यहाँ से रख देंगे क्योंकि अभी तो जुगाड़ करके ले जाएंगे, क्योंकि बैटरी में रखनी सीटों के नीचे, अभी तो सीटें भरी नहीं है, तो यहाँ पे थी वो हमने निकाल दी, बस हम स्टेपनी के 2 सुराख निकाल लें और पाजी निकालेंगे तो स्टेपनी टांग देंगे। मैं तो आपको बताऊँ स्टेपनी का रीज़न क्या, पहले स्टेपनी थी यहाँ पे, इसका रीज़न देता कि ये स्टेपनी पहुँच जाती थी यहाँ पे और ये मटगाड़ यहाँ पे बनता नहीं था, तो हमें मटगाड़ बनाना है, गाड़ी को लुक भी तो देनी है, इतना पैसा खर्च भी किया यार। तो देखो सुराख एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, ये जो थे ये पुराने थे या और नेट थे, पर भाई यहाँ पे आएगा, हर चीज़ को ना बड़ी बारीकी से करना पड़ता है, और क्योंकि वो भी समझते हैं यार हमें, जो भी कस्टमर यहाँ पे गाड़ी लेके आता है यार उसको भी अलग से खुशी रहती है यार कि काम अच्छे से हो सर, तो है कि यहाँ पे हमें कराया काम, तो है कि
रेट तो हर जगह सेम रहते, पर है कि काम की साफ सफाई कहाँ पे है। देखो पत्ती वगैरह ना कितनी बड़ी है यार, मैंने एक गाड़ी में देखी उसमें ना ऐसे यहाँ पे लगाई है यही पत्ती, यहाँ पे भी यूज़ की हुई थी, पर देखो इसकी ना कितनी बड़ी चीज़ है और देखो मोटी भी है, तो लगता है कुछ चीज़ लगे कुछ का वेट भी। अगर ये पत्ती ये यहाँ पे लगाई सेकंड स्टेप पे, अगर यही हम यहाँ पे लगाए तो भाई फिर उतनी मजबूती नहीं आती ना। अब हो रहे सारे सुराख बंद और हैंड ब्रेक अपनी बड़ी है वो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो पहले यहाँ पे थी ना, क्योंकि ये सुराख भी करने बंद तो हैंड ब्रेक आएगी यहाँ पे, वो तो बाद में मिट्टी की बॉडी बनने के बाद। वहाँ पीछे हो गए सारे सुराख बंद। ये काम भी भाई छोटा है पर बड़े ध्यान से करना, इतने सुराख होते हैं ना उसको अच्छे से बंद करना, फिर उसको ऊपर से ग्राइंडर से बिल्कुल साफ करना प्लान, और फिर कलर भी करना, और आगे वाले को कलर करेंगे। अभी आपको दिख रही होगी अलग सी लगी हुई है ना वो लोहिया सा, पर जब फाइनल निकलेगा तो पता ही नहीं चलेगा, मतलब जो गाड़ी के बारे में नहीं जानता वो तो बता ही नहीं सकता कि इस पर पैचिंग हुई है क्या है, नहीं वो बोलेगा ऐसी गाड़ी आती है। अपनी 10 चक्का पे ना उस पर धूल आती थी ना तो गाड़ी भी गंदी हो जाती थी बार बार, कपड़े भी गंदे, तो इस पर ना जितने भी सुराख हैं इस बार क्योंकि यही टाइम होता है ना पूरा अच्छे से काम हो, अब उस पर वो काम हो नहीं सकता क्योंकि उस पर बॉडी एक बार बन चुकी है, तो इस पर ये काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सुराख बंद कर दिए, यहाँ पे तो छोटे छोटे कितने सुराख हैं, तो कितनी मेहनत लगी ये सारे बंद करने, क्योंकि इस गाड़ी पे जो बर्तन वाला बॉक्स है वो यहीं बनने वाला है, यहाँ पे इस पर काफ़ी जगह यहाँ तक रहेगा ये यहाँ तक, तो इसमें कुकर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये गाड़ी ऊंची है तो सीटें इसकी डाउन डाउन रहेंगी, तो यहाँ पे इतना कुकर वगैरह रखने का प्लेटें वगैरह गैस ही आएगा सिर्फ, और यहाँ पे ये और ये बस इतना पास में, अगर यहाँ पे सुराख रहेगा ना तो सारी जब बर्तन रखेंगे तो पूरे बर्तन गंदे हो जाएंगे, कुछ ऊपर ऐसे नहीं बन जाएंगे। इसकी यहाँ पे ना कंपनी से जाली आती है उसमें भी गैप है, देखो कितना गैप है, जब गाड़ी बनेगी तो क्या मतलब अजीब सी लगेगी ना, उस पर भी है, उस पर थोड़ा कम हो गया है, अब ये खोलने लगे करेंगे, अब जो जिसका कारीगर है वही कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, अब ये करेंगे तो फिर ये पूरी साथ में जुड़ जाएगी बिल्कुल बराबर। बैठ बैठ के मैं भी बोर हो गया, मैं खुद ही थोड़ा काम, मैंने बोला मेरे को करने दो, पाजी नेट खोलते, मैं खोलता हूँ तब तक आप और काम कर लो। हर चीज़ संभाल के रखनी पड़ेगी ना क्योंकि एक भी घूम गया फिर मज़ा नहीं आएगा। ये जुगाड़ सा इसी को थोड़ा बेंड करेंगे तो सही हो जाएगा, कहाँ रखें यहाँ पे रखें थे। अभी काम कर रहे थे भाई आए मिलने के लिए, मतलब मैं लोकेशन क्यों नहीं डाल रहा वो यार आज यहाँ पे था, कल से मैं वहाँ परमानेंट ऑफिस में डाल दूँगा। और वधिया भाई 15 किलोमीटर इस तरफ हूँ आया ना, अच्छा मुल्तानी ढाबा ठीक है भाजी, भाजी ले आए कोल्ड ड्रिंक दे दो, किधर वो आ गए पूरा। और अब देखो भाई कितना कम फर्क आया, ये देखो अब इतना, अब बोलो कि बिल्कुल जुड़ जाए वो नहीं जुड़ सकती क्योंकि यार ये पत्ती बीच में है ना, ये तो है अब रहेगी रहेगी, या तो अंदर से होती है जैसे हमारी पुरानी गाड़ी में उसको अंदर से होता है, अब इसके बराबर हो गया सब फाइनली हो गया ये ठीक है भाजी करो। फिर वेल्डिंग वाला मतलब जो भी काम तो सारा हो गया ख़त्म, अब मतलब इसको करना कलर, उसके बाद अभी ग्राइंडर से उसको साफ सफाई करेंगे जो थोड़ा थोड़ा बाहर कोने कोने ना, उसके बाद ये सारा सामान करेंगे इस पर इंस्टॉल वापस जैसे था, बस स्टेप नहीं कराया गया। और एक वो बाइक गेम है वो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक और खोल के हमने रखी हुई है वो क्या है मतलब ना, तो इसको अभी शावर को मैंने डंडों को उठा के रखा है, ये है सेंटर बैरिंग, तो जो सेंटर बैरिंग को चीज़ उठाती है ना उसके लिए हमने जुगाड़ बनाया, उस पर एंगल लगाएंगे थोड़ा इसको हैवी करेंगे, वो गेम है भाजी लेने के लिए जो जो हमारा ये वाला काम करेंगे क्योंकि अलग काम चल रहा है ना, जैसे ये बन गया इस पर तो खुद ही कलर करूँगा, कल देखते हैं ब्लैक वाला पैंट लाएंगे ना, आज ये कर देंगे पूछ लेते हैं कैसा रहेगा, तो इस पर कलर कर देंगे जंग लग जाएगा बाद में, बात नहीं अपनी गाड़ी की ये पड़ी है। हो गया कलर, लग रहा है कि कुछ यहाँ पे करवाया हमने, ये देखो अब अंदर जो जैसे यहाँ पे ये करवाया, ये ना मैंने सुराख सारे बंद करवा दिए गाड़ी पे, जितने भी सुराख थे सारे बंद, तो उन पर वो कलर हो रहा है बड़ी स्मेल सी आ रही, पर बस भाई कर रहे हैं सारे सुराख बंद, मतलब सुराख बंद कर दिया अब इस पर कलर करेंगे, ये देखो ये है ना सारा कलर, पता भी नहीं चलेगा भाई गाड़ी में कुछ काम किया हमने, बस अभी कराया गया हैंड ब्रेक फिट करना, ये जुगाड़ और एक वो स्टेप नहीं, अंधेरा अब तो पड़ ही गया, अंधेरा तगड़े वाला पड़ जाएगा, मैं वहाँ जाता था। हो गया भाई कलर, मतलब आप जब आप सुबह से वीडियो देख रहे हो मतलब आप पहचानना कि ये गाड़ी वही है, मतलब कितना कुछ चेंज हुआ था, वापस कलर कर दिया वापस, पता चलता है कि कुछ हमने नई चीज़ लगाई है, देखो भाई फिनिशिंग थोड़ा गीला है पर दिखता नहीं है कि देखने में कैमरे में कि भाई कोई इसमें कुछ किया है भाई, अब भाई लगाने लगे भाई इस पर वापस इसे मतलब गर्म हवा नहीं जाएगी पैचिंग स्प्रे से सही आता है ना, नहीं तो कई लोग होते हैं वो ब्रश से करते हैं, बस मतलब मैंने आपको वही चीज़ बोली ना कहीं आपको ये जो पैचिंग करोगे सस्ते में मिल जाएंगे, और हो सकता है कि आधे रेट के भी मिल जाएंगे भाई, वो फिर ब्रश से ही पेंट करेंगे वो आधा जुगाड़ करके भेजेंगे तो भाई मज़ा नहीं, क्योंकि गाड़ी एक बार बनानी है तो सही भैया
भाई है महाराष्ट्र से, तो भाई की 10 चक्का भाई कंटेनर महाराष्ट्र से यहाँ पे बनाने के लिए आए। तो भाई अब सुबह ये मेरी जगह इनकी गाड़ी आएगी पैचिंग होने के लिए। भाई तो घूम रहे हैं, और भी आपने देखोगे पैचिंग वगैरह कैसा रहा यहाँ पे। इनका काम बहुत बढ़िया है, बस यहाँ पे आए अभी। वो FTC वाली गाड़ी वो, और ये भैया की गाड़ी 16 चक्का, इसकी पैचिंग वगैरह होगी। बस अब तीनों ही सारा सामान हो गया फिट, बस अब कूलेंट डालना है, बाकी ऑलमोस्ट सारा ही हो गया। तो बस हैंड ब्रेक वाला भी थोड़ा सा रह गया, 10-15 मिनट में फ्री हो जाएंगे यहाँ से। जैसे हॉर्न वगैरह लग रहा है, बस कूलेंट डालना है और वो बोनट बंद करना है, एक बार पाइप जोड़नी है बस, फिर बैटरी जोड़ेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करनी, क्योंकि पाइप प्रेशर मैंने पूरी टंकियाँ खोली थी ना, पूरा प्रेशर कम होगा। देखो भाई खींचा भी नहीं, हम होते ना पहले मुँह से खींचते रहते, ऑटोमेटिक ही आ गया भाई, आने शुरू हो गया कूलेंट। अब आओ टापो टाप चल रहा है, कट रहे नहीं, होगी गाड़ी स्टार्ट, प्रेशर बन रहा है, बस ये प्रेशर पूरा बन जाए, फिर एक बार गाड़ी बंद करके ना अच्छे से हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेंगे कि प्रेशर वगैरह कहीं से लीक तो नहीं है। लग रहा कुछ यहाँ पे काम हो, वैसे की वैसे ही लग रही है, थोड़ी गंदी हो रखी, पर भाई क्यों ब्लर हो गया। बैटरी यहाँ ऊपर कर दी, बांध दी वहाँ पे, एडजस्ट कर दी, वो तो बाद में सीट के नीचे आएंगे वो तारें वगैरह, वहाँ से सुराख होंगे, अगर तार पन्नी होगी तो शायद और पड़ेगी, बाकी सारा काम ही हो गया, निकलेंगे अब। काम कर दिया खत्म, वहाँ से गाड़ी चलाने में तो दिक्कत ही खाया, क्योंकि नाचती है गाड़ी वहाँ हाइट थी पीछे, अब सीधा जा रहा हूँ वापस, वहाँ कह रहा है पहले नहाऊंगा धोऊंगा, पूरा दिन काम के कपड़े भी गंदे हुए, कपड़े वगैरह करते हैं चेंज, और जो मैंने कल कपड़े उतारे थे ना वो भी अभी तक मैंने धोए नहीं, आज मैं आज कल कपड़े धोऊंगा अच्छे से सुबह उठ के ना। चल भाई लगा लो टॉप जय, गाड़ी बाहर है, बाइक की गाड़ी थी करते हैं अंदर, और इस रूम में गर्मी थी भाई, एसी ले आए नया एसी, कल हो जाएगा फिट, तो कल कमल वगैरह लाना पड़ेगा, वो भी कमल है भाई के पास, क्योंकि अपना बिस्तर यही है ना, कर दें गाड़ी साइड ना, फिर नहाते धोते हाथ भी गंदे हो गए, कपड़े वगैरह करते हैं चेंज। चलो भाई बाजी करो, बिल्कुल जी भाई, कई तकलीफ ना का, और ऐसा नहीं है बाइक का सिस्टम सही है, भाई ने एक बाइक रखी है ड्राइवरों के लिए सिर्फ, मतलब जहाँ मर्जी जाओ भाई, जो मर्जी लेके जाए, और वो एक रूम है ड्राइवरों के लिए, उसमें भी एसी लगा हुआ है। बस अपना खाना भी आ गया, हाथ मुंह धो लिया, तो गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी, तो आज इस पर फट्टे वगैरह भी लगे, देखो कितनी बढ़िया लगने शुरू हो गया। अब इस पर थोड़ा ही काम है भाई, हमारे साथ 2-4 दिन ही मिलेंगे हमें, उसके बाद फिर कलर में 1-2 कलर में, फिर टेप वगैरह, फिर भाई रवाना हो जाएंगे, शायद ईद तक भाई घर पहुँच जाए, भाई इसको लगेगा टाइम थोड़ा। अपना खाना भी आ गया, हाथ मुँह हाथ धो लिए, मॉर्निंग तो है वैसे, तो आज खाने में रहने वाला है पनीर की सब्ज़ी और सलाद और रोटी भाई। चलो ठीक है यार, जैसा भी आप भी बताना भाई, महंगा पड़ रहा है, 70 रुपये में आता है तीनों, 70 रुपीज़ में ये अपना 6 रोटी, ये तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि ये घर का खाना है, ताकि कल शायद अपने घर का थोड़ा बहुत काम हो जाए, कल मैं बाइक से जाऊँगा, जो एक ड्राइवर सीट है वो देखने के लिए, गाड़ी में कौन सी सीट है, एक इलेक्ट्रॉनिक आती है ना वो मास्क वाइज स्विच से चलती है, और बाइक आज तो थोड़ा रूम में गर्मी लग रही है, कल से अपना AC इंस्टॉल हो जाएगा, तो भाई फिर बढ़िया हो जाएगा यहाँ पर रहना आराम से, क्योंकि वो मेरे घर में टाइम लगने वाला है, 30-35 दिन, शायद 40 दिन लग जाए भाई बॉडी बनने बनने में, तो तक क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ सोचा, बाकी आपके कमेंट्स पे भी डिपेंड रहेगा कि आप कैसा कैसा कर रहे हैं, जैसे कल वीडियो में आपने काफ़ी कमेंट किए कि गाड़ी में कैसा कलर करवाना चाहिए, और जो भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो तो भाई मुझे समझ आया कि वो पूरी वीडियो देखते हैं भाई, उनका एक बार तहे दिल से थैंक यू, और आप सबके प्यार से ये गाड़ी बनी है, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगे, तो भाई बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं, जैसे आज डेंट वो अपना पैचिंग होगी, कुछ कोई चीज़ें मेरे से रहती होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना एक कमेंट जरूर करें, तो मैं चाहता हूँ मतलब मेरी वीडियो में अगर 30,000 व्यूज़ आ रहे हैं तो 25,000 कमेंट्स आने चाहिए, मतलब आप वीडियो देख रहे कुछ ना कुछ तो कमेंट करो, आप बताओ अपनी एक राय दो यार, मैं भी पढ़ता हूँ, आजकल तो मैं भी फ्री हूँ, रात को फ्री होता हूँ, खाना वगैरह खा के ना यहाँ पे हम करते हैं रेस्ट। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ही एंड, नहीं यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि ये रूम बंद है ना पूरा, मिलते हैं कल एंड ब्लॉग में, कल मैं बाइक लेके जाऊँगा, सीटें वगैरह देखने के लिए, ड्राइवर सीट रहेगी, इलेक्ट्रिक या सस्पेंशन वाले कौन सी लगाएंगे वो कल जाऊँगा मैं बाइक के साथ, और हम क्या देखने जा रहे थे कल, हाँ सरमाइका जो सब गाड़ियों में लग रहा है दिखाया, वो आज ट्रेंड चल रहा है, कुछ नया लगाने की ट्राई करते हैं, कल वो जाके देखेंगे, मिलते हैं एंड ब्लॉग पर, जैसे भाई इन ब्लॉग्स पे आप प्यार दिखा रहे हो तो भाई ये पूरी सीरीज रहने वाली है, तो भाई अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, मिलते हैं एंड ब्लॉग पर, टेक केयर, बाय बाय।